अच्छा जी, ये व्लॉग मैंने एडिट कर दिया था, वॉइस ओवर कर लिया था, लेकिन अब मैं ये क्लिप एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। 3-4 दिन पहले मैंने पल्लव शाह जी की पोस्ट देखी थी। पल्लव शाह जी को तो आप सब जानते ही होंगे। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि पोस्ट किस बारे में है। उनकी बेटी की शादी की वीडियो चल रही थी, मुझे लगा उससे रिलेटेड होंगी। लेकिन कल मैंने हिनाज जी की बेटी की जेबीज़ किचन की जेबी की पोस्ट देखी, तो मुझे बड़ा फील हुआ, बहुत बुरा फील हुआ कि आप लोग किस तरह एक बंदे को जज कर सकते हो। चलो बड़ों तक तो बात ठीक है, जैसे हिना जी होगी, पलवशा जी होगी, ठीक है, लेकिन आप उनकी बेटियों पे बातें कर रहे हो कि पलवशा जी की बेटी के लिए आप बोल रहे हो कि वो सब फ्री का था और ये वो था, लेकिन आप उसके पीछे उनकी मेहनत भी तो देखें, कितने सालों की मेहनत के बाद उन्होंने ये चीज़ रिसीव हुई है, या PR मतलब कह लें, जो मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन उनकी मेहनत कितनी है सबके पीछे। मैं स्क्रीनशॉट्स भी ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। हम बड़ी जल्दी किसी ना किसी को जज कर देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसकी मेहनत कितनी है इस सब के पीछे। जैसे पल्लव शाह जी ने अपनी वीडियोस में भी बताया है कि मेरी जब शादी होगी तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हारी तो शादी होगी, तुम जा रही हो, लेकिन पीछे ये भी हैं, इनका भी तुम उन्होंने अपनी बहनों का भी किया, उनकी शादी भी की, अपनी माँ की जगह लेके अपनी बहनों का ख्याल रखा, उसके बाद अब जाके उनकी बेटी के लिए वो माँ बनी, पहले अपने बहनों की माँ बनी। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ऐसे ही नहीं वो बाजी नादी करती रहती हैं, अपनी जान निछावर करनी पड़ती है, हर स्टेप पे खड़े रहना पड़ता है, ये उनके सलाम है। और किसी ना किसी पॉइंट पे हम उनसे रिलेट भी करते हैं, उनकी वीडियोस के थ्रू, उनके मतलब बोलने के अंदाज़ के थ्रू, या जो भी वो एक्सप्लेन कर रही होती हैं, हम सब उनसे रिलेट करते हैं किसी ना किसी बात पे, ठीक है। और जब अब बात आ रही है जेबिस पे कि मास्क लगा के आप ऐसे कर रही हो, आपका फेस ऐसा है, ये है, आप डिफेम कर रहे हो उसको, डिग्रेड कर रहे हो, तो ये बहुत बुरी बात है। आपको तो उसको इनकरेज करना चाहिए कि बेटा हाँ, तुम्हारे घर की सिचुएशन ऐसी चल रही है, स्ट्रेसफुल है, और बच्ची बेचारी कह रही थी कि मेरे एग्ज़ाम भी है नेक्स्ट वीक और मैं डिप्रेस हूँ, मतलब किस तरह मैं मेंटली स्ट्रेस ले रही हूँ और कैसे करूँगी। हिना जी के घर की कंडीशन आप सबको पता है, आप सब उससे मतलब जानते हो कि कैसी सिचुएशन है, वो लोग स्ट्रेस में हैं मेंटली। चलो 2-4 लम्हे उनको खुशी के मिल गए, शादी के मिल गए, तो आप लोगों ने इन पर बातें करना शुरू कर दी। आप लोगों को जेबी को इनक्रेज करना चाहिए था कि हाँ, तुम माँ के साथ घर में भी काम करती हो, स्टडी भी करती हो, उसके साथ तुम अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए चैनल भी कर रही हो, तो अच्छी बात है, आप सबको इनक्रेज करना चाहिए था। बल्कि अपनी हमारी भी बेटियाँ हैं, हम खुद किसी की बेटियाँ हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, खुद भी इनक्रेज होना चाहिए और करना भी चाहिए कि आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, किस तरह लेके चलना है सब चीज़ों को। उल्टा आप लोग उनको डिफेम कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। नेगेटिविटी आप लोगों को जहाँ भी नज़र आती है, आप फ़ौरन उसको शटअप कॉल दिया करें। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए कि आप लोग उनको इस तरह डिफेम कर रहे हो। औरत हो गई आप, मैंने उसका व्लॉग तो नहीं देखा जिसने ये बनाया है, या मतलब बुरा भला बोला है, रिएक्शन वीडियो है, रोस्टिंग है, लेकिन रोस्टिंग भी एक हद तक सही लगती है। तो मैं पर्सनली बड़ी डिस्टर्ब हुई इस चीज़ को लेके कि हम लोग भी कल को काम करेंगे, इस तरह नेगेटिविटी हमें भी फेस करनी पड़ेगी, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो आप इस चीज़ को रोका करें, जहाँ भी आपको नेगेटिविटी नज़र आए, आप उनको देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो आपका भी हक बनता है कि जहाँ पे आपको नेगेटिविटी नज़र आए, आप उसको फ़ौरन रोकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद दिकरा। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, हम रेडी हो गए थे आज फिर से ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, कोई ना कोई चीज़ घर की रह ही जाती है, तो आज हम जा रहे थे नेस्टो हाइपर मार्केट। तो मैंने कहा चलो आज का व्लॉग घर से शुरू कर लेते हैं। हम लोग नीचे उतर आए थे, गाड़ी में बैठ गए थे, और आप लोग बताएं आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कैसे व्लॉग्स लग रहे हैं, कोई आप लोग कमेंट्स करके नहीं बता रहे हैं। अभी तक मैंने 2 वीडियोस व्लॉग्स अपलोड किए, अभी तक कोई कमेंट वगैरह नहीं आया। तो यार ऐसे नहीं करो, आप लोग कमेंट्स करो ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग शौक से देखते हो या अच्छा लगता है या कोई कमी है। और यहाँ पर आप मेरा मैडम की हरकतें देख लें, गाड़ी में इनकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। और आप लोग बताओ कि आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हो, व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और आपकी तरफ मौसम कैसा है। ये 2-3 दिन से तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
मैंने ट्राइपॉड लिया था अमेज़ोन से, तो मैं उसी से शूट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो मुझे बताना कि सेल्फ़ी स्टिक से बाहर से मैं मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, उसका रिज़ल्ट कैसा है लाइट के साथ। नेस्टो से मेनली मिरा के डायपर्स ही लेने होते हैं, तो इसलिए फिर हम नेस्टो जा रहे थे। बस यहाँ पे मैं ट्राईपोड भी चेक कर रही हूँ और साथ साथ वीडियो भी बना रही हूँ कि वीडियो कैसी आती है, चेकिंग भी हो रही है और साथ साथ वीडियो भी बन रही है। और मीरा मैडम ऐसे बैठी हैं जैसे पिक्चर बन रही है इनकी। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे हाइपर नेस्टो। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन नेस्टो में शॉपिंग करता है। आज तो नेस्टो में बहुत ज़्यादा रश था, मतलब नीचे तो मुझे टाइम मौका ही नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं, बहुत ज़्यादा रश था। फिर ऊपर गए, ऊपर भी मतलब सिक्योरिटी गार्ड था और काफ़ी ज़्यादा रश था। तो ये बस नीचे उतरते हुए मैं वीडियो बना रही थी थोड़ी सी, ताकि आपको दिखा सकूं। आगे मैं शो करूंगी सीढ़ियाँ उतर के स्टेयर्स से, देख सकते हैं आप लोग के कितना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। ये ट्रॉलीज उनकी है जो ऊपर जाने वाले लोग थे, ये देखें कितना ज़्यादा रश था। जो चीज़ें लेनी थी वो भी समझ नहीं आई थी कि क्या लें और क्या ना लें, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था और जगह ही नहीं मिल रही थी। ये लास्ट थर्सडे गई थी मैं नेस्टो, तो अगर आप में से कोई गया था तो मुझे बताइएगा, क्या पता आप में से कोई वहाँ पे होता। बस गाड़ी में आते ही मीरा मैडम की हरकतें शुरू हो गई हैं दोबारा से। आप मुझे किस जगह से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, किस कंट्री से देखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे अप्रिशिएशन भी मिल जाएगी और मोटिवेशन भी मिल जाएगी, ताकि मैं व्लॉग्स अपलोड कर सकूँ। इसके बाद अब मेरा की फरमाइश थी कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो हम लोग घर के पास ही माइस्ट्रो पे आ गए थे। घर पे सालन बना हुआ था लेकिन मेरा को खाना था, तो इसलिए स्मॉल ही पिज़्ज़ा लिया था, मीडियम या लार्ज नहीं लिया था। और वैसे भी ये पूरा नहीं खाती, बस साइड्स ही खाती है, तो इसको खाना था तो फिर वही ले लिया था स्मॉल। आप लोग कौन सा पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हो, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़ या फिर माइस्ट्रो? ज़्यादा फेमस तो यही है, तो जब से माइस्ट्रो खुला है मुझे तो इनका ही पसंद आता है, और घर के पास भी है और अक्सर इनकी ऑफ़र्स वगैरह लगी रहती हैं। यहाँ पे हस्बैंड और मैं दोनों बस बॉक्स खोलने की ट्राई कर रहे हैं कि बस आज ये खुल जाए। और अगर आप लोग माइस्ट्रो पसंद करते हैं तो इसमें आप लोगों का कौन सा फ्लेवर पसंद है? स्मॉल में बस एक ही फ्लेवर शो कर रहा था, तो फिर इसलिए यही ऑर्डर करना पड़ा। अब यहाँ पे मेरा पिज़्ज़ा मांग रही है, देखो पेट पे हाथ लगा रही है कि भूख लगी है। और ये देखो हम लोग कह रहे थे वेट करो कि गर्म है अभी, तो थोड़ी देर बाद दे दिया था। बस इसने साइड्स ही खाने, आगे से ना चिकन खानी है ना सॉस, बस इसको साइड्स ही पसंद है, फिर वो बाकी हमें खाना पड़ता है। बस साइड्स ही इसको पसंद है तो वो साइड्स ही खाती है। अब जी हम आ गए थे घर, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ नेस्टो की शॉपिंग। बेसिकली नेस्टो मैं इसके डायपर्स लेने के लिए जाती हूँ। ये डायपर्स एक तो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं। पहले मैं डायपर्स दूसरे वाले लेती थी, लेकिन अब पैंट्स मैंने ट्राई किए हैं तो ये काफ़ी अच्छे हैं। बेबी कूल के ये डायपर्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं और काफ़ी टाइम चल जाते हैं, लीक वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते और इनकी प्राइसिंग भी कम है। और जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ स्टार्ट हो गए हैं, तो जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा तो लाजिम है, तो ये भी प्रमोशन पे था तो मैंने रूह अफ़ज़ा भी ले लिया। इसके बाद यहाँ पे एक बाहर थे, उन्होंने हमें वो ज़ियारा और उम्रे वाला कार्ड दे दिया था। ये हनी लिया था, अगर आप में से किसी ने इस ब्रांड का हनी ट्राई किया तो मुझे बताना,
मैंने सुना था इस ब्रांड के काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मैंने यही ले लिया। बाकी तो और कोई प्रमोशन में नहीं था इतना। उसके बाद हैं ये एप्पल्स थे 2 रियाल के, वो मैंने लिए। प्रमोशन में काफ़ी चीज़ें थी लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि रश इतना ज़्यादा था कि क्या लें और क्या नहीं। मैंने लौकी ली थी और थोड़ी सी शिमला मिर्च ली थी, बस 2-4 ही चीज़ें ली थी क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या लें रश की वजह से। और अब यहाँ पे हस्बैंड दूध में शहद डाल के ट्राई कर रहे हैं कि कैसा है, टेस्ट कैसा है, क्योंकि इस ब्रांड का हमने पहली फर्स्ट टाइम लिया है। आप लोगों में से किसी ने इस ब्रांड का पहले ट्राई किया है तो मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो आज का तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, मुझे मोटिवेशन भी मिल जाएगी ताकि मैं आगे डेली व्लॉग्स शेयर कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।